वेलकम टू नवनीत आई एस अकेडमी सो हम यहाँ पे क्लास सिक्स की एन सीई आर टी का जो हिस्ट्री का कोर्स है राइट वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं एंड क्लास सिक्स की जो एनसीआर टी है इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट वन तो एट चैप्टर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो इसमें हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि एंशियट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्लास सिक्स की जो NCRT है इट टॉक्स अबाउट दी एंशियट इंडिया एंड उसमें जो इंडिया में जो है हमारे लोगों की जो लाइफ थी वो किस तरह की थी यहाँ पे जो डेवलपमेंट थी राइट वो किस तरह से हो रही थी हमारी सोसाइटी की उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी तो पूरा एक सीक्वेंस वाइज जो है हम हर एक चीज को यहाँ पे कवर कर रहे थे ओके सो इन चैप्टर नंबर एट वी हैड डिस्कस अबाउट दी एम्पायर एक बड़ी जो एम्पायर है राइट उसके बारे में हमने बात की थी डेट इज अशोका की जो एम्पायर है मॉर्न एम्पायर तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि अब बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं वो डेवलप यहाँ पे हो चुकी है देन उसके बाद में हमने जो है किंगडम्स जो है वो उसके बारे में बात की थी कि किंगडम्स यहाँ पे किस तरह से बनते हैं कुछ लोग राजा किस तरह से बनते हैं उसके बाद में जनपद महाजनपद की बात की थी देन किंग किंगडम्स की बात की थी ना आफ्टर डेट डेट हमने यहां पे देखा था कि किंगडम्स एंड जो एम्पायर होती है उनके बीच में जो है मेन डिफरेंस क्या है राइट तो इस तरह से हमारी सोसाइटी अब जो है वो यहां तक डेवलप हो चुकी थी उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी तो आज हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे देखेंगे कुछ नए टाउन्स बन रहे थे इस समय अगर हम बात करें अराउंड 2500 इयर्स एगो या फिर 2300 इयर्स एगो हम यहाँ पे बात करें तो कुछ नए टाउन्स जो थे वो यहाँ पे बन रहे थे वहां पे लाइफ किस तरह की थी उन टाउन्स की या फिर कुछ विलेजेस थे राइट right. तो वहां पे जो लाइफ थी वो किस तरह की थी यहाँ पे विलेज में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते थे डैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर स्टेट पीएससी uh, का जो भी एग्जाम यहाँ पे होता है प्रिलिम्स का उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं कि ग्राम भजका क्या होते हैं राइट right? इस तरह से जो नेम यहाँ पे पर्टिकुलर लोगों के लिए लैंड ओनर्स के लिए क्या नेम यहाँ पे रखे गए थे इस समय तो उनके बारे में जो है क्वेश्चंस वो यहाँ पे पुट होते ही रहते हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर नाइन सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इससे आप जो है फॉलो कर सकते हो इस चैनल को आपको जो है यहाँ पे डेली पीडीएफ मिलती रहेंगी जो भी कोर्सेज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं या फिर अपकमिंग पे फ्यूचर में कोई भी कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट होंगे तो उसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो मिलती ही रहेगी राइट तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जो है डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो राइट So this is about me as you already know that I am the founder of Navneet IAS Academy and I had more than three years of experience in UPSC coaching and I had already cleared the UPSC CSC main and in my education qualification I have done MPhil and MSC CS, and uh, I am also a university merit scholar in the mathematics and I am also passionate about teaching. So now let's start the chapter number nine that is the vital villages and the thriving towns. तो अब जो है यहाँ पे अराउंड 2500 साल पहले हमारी सोसाइटी में कुछ और भी चेंजेस आ रहे थे नए विलेजेस थे यहाँ पे नए टाउन्स थे वो भी डेवलप हो रहे थे राइट एंड कृषि के लिए जो है वो नई नई चीजें यहाँ पे यूज कर रहे थे सोसाइटी जो है वो यहाँ पे इन एरियाज की वो चेंज हो रही थी राइट उनके बारे में देखेंगे एंड इनके बारे में ये जो उस समय के विलेजेस थे या फिर जो टाउन्स थे इनके बारे में हमें जो है कहाँ से पता चलता है वो भी सोर्सेज जो हैं राइट right? वो उन सोर्सेज के बारे में भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट ने कौन कौन से सोर्सेस को यहाँ पे यूज किया था इस टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए राइट right? सो so, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहती है वो थी आयरन टूल्स की एंड एग्रीकल्चर की ओके okay. जैसे कि आज की अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेजेंट डे की हम यहाँ पे बात करें तो आयरन को हम जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील जो है वो हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तो जो आयरन का यूज है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में अराउंड तीन हजार साल पहले ही स्टार्ट हुआ था सो सबसे जो लार्जेस्ट कोलेक्शन है आयरन टूल्स एंड वेपन्स के वो हमें कहाँ से मिले थे सबसे पहले वो जो मेगालिथिक वरियल हमें मिली थी राइट वहां पे हमें जो है आयरन टूल्स एंड वेपन मिले थे तो अराउंड पच्चीसों साल पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ये तो बात हुई यहाँ पे तीन हजार साल पहले की तीन हजार साल पहले हमें आयरन टूल्स जो है वो मिलने स्टार्ट हो गए थे जो मेगालिथिक बरियल थे उनमें ओके उन बरियल्स में हमें जो है ये टूल्स मिले थे तो ये बोल सकते कि अराउंड तीन हजार साल पहले इनका जो है यूज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था आयरन से बने हुए टूल्स का बट हाउ अगर हम जो है थोड़ा सा आगे आए तो 2500 साल पहले की हम यहाँ पे बात करें तो आयरन टूल्स का जो यूज है वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है काफी ज्यादा जो है हाँ आइल टूल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अगर हम पच्चीसों साल पहले की बात करें तो ओके सो so, इसमें हमें जो है कुल्हाड़ियां मिलती हैं जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज की जाती थी एंड लोहे से बने हुए जो हल है वो हमें मिलते हैं एंड जैसे कि हमने चैप्टर नंबर सिक्स में भी देखा था डेट जो क्लोशियर थी वो जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काफी यूजफुल जो है वो साबित होती है राइट तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयरन के जो टूल्स हैं उनका यूज यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है अराउंड पच्चीसों साल पहले एक तो ये डेवलपमेंट हो गई देन इरिगेशन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने बड़े किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में हमने बात की है इतने बड़े बड़े यहाँ पे एम्पायर जो है वो यहाँ पे सेटअप हो रही है तो वो जो है अपने विलेजेस की सपोर्ट के बिना कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाते राइट right? अगर जो है इनके विलेजेस जो है वो फ्लरिश नहीं होते तो ये जो किंग किंगडम्स थे वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते सो so, क्या था न्यू टूल्स जो थे वो यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिए जाते हैं उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया जाता है एंड देन ट्रांसप्लांटेशन का जो है नया सिस्टम जैसे कि हमने पेडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा था तो इनकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी इरिगेशन मेथड जो होते वो यहाँ पे यूज किए गए थे एंड इरिगेशन वर्क्स जो होते हैं लाइक कैनाल्स बनाए गए थे वेल्स टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए थे सो so की इनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ती जाए सो so, अब इन विलेजेस में रहता कौन था जैसे कि हम देख रहे थे कि जो विलेजेस थे वो काफी फ्लरिश हो रहे थे 2500 साल पहले तो कौन कौन लोग थे यहाँ पे रहा करते थे तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि थ्री काइंड ऑफ लोग जो थे वो यहाँ पे रहा करते थे साउदर्न uh, एंड जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट्स थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो विलेजेस थे इन एरिया में वहां पर तीन तरह के जो लोग हुआ करते थे ओके okay? सो so, सबसे पहले हम तमिल रीजन की बात करेंगे यहाँ पे जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्हें क्या बोला जाता था वेल बोला जाता था सो so, ये जो चीजें हैं ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ये आप जो है नोट डाउन करके अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने जो है वो चिपका के यहाँ पे रख सकते हैं सो so, डेट क्या आपको ये चीजें याद रहे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं ओके सो लार्ज जो लैंड ओनर्स होते हैं तमिल रीजन में उन्हें वेल बोला जाता है देन जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं उन्हें जो है उजावर बोला जाता है देन जो लैंडलेस लेबर हैं, इंक्लूडिंग स्लेव भी हो गए उनके लिए कदाइसिया एंड द आदिमाय वर्ड जो है वो यूज किया जाता है देन नाउ आते हैं हम यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का तो यहाँ पे जो विलेज हेडमैन थे उन्हें ग्राम भोजक का बोला जाता था ओके एंड यूजुअली एक जो पोजीशन होती थी जो विलेज हेडमैन की जैसे पोजीशन है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो एक ही फैमिली यहाँ पे उसे होल्ड करती थी इन अदर वर्ड ये जो पोजीशंस यहाँ पे हुआ करती थी वो हेरिडेटरी हुआ करती थी एंड जो ग्राम भुजा का उस पर्सन को बनाया जाता था जो कि लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करता था पूरी सिटी का ओके okay? उसके अंडर कई सारे स्लेव हुआ करते थे वो वर्कर्स को भी यहाँ पे हायर किया करता था कल्टिवेट करने के लिए लैंड को ओके okay? तो बिसाइड जो है वो पावरफुल था ही एंड द किंग ओफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज ऑल्सो तो अब जो राजा है वो ग्राम भोजक्का को ही यूज किया करते थे कि वो जो है लोगों से विलेज से जो है टैक्स भी कलेक्ट किया जा सके उनसे ओके okay? एंड उसका जो है दूसरा काम क्या हुआ करता था एक तो वो टैक्स भी कलेक्ट करता था एंड जो है वो जज के तौर पे भी यहाँ पे काम किया करता था एंड समटाइम जो है वो पुलिस मैन के तौर पे भी काम किया करता था सो so, एक तो हो गई यहाँ पे ग्राम भोजक का जो कि नॉर्दर्न इंडिया में थे तो उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी हुआ करते थे उन्हें क्या बोला जाता था उन्हें जो है गृहापतिज बोला जाता था ओके okay, तो ये जो है स्मॉल लैंड ओनर्स थे ये लार्जेस्ट लैंड ओनर्स नहीं होते थे ये जो है स्मॉलर लैंड ओनर्स हुआ करते थे सो एंड देन उसके बाद में जो है कुछ मैन एंड वुमेन आते हैं जिन्हें दास कर्मकारा बोला जाता था जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी ओके okay, वो जो है फील्ड्स में जाके काम किया करते थे वो जो जैसे हम बोल सकते हैं कि डेली बाय डेली जो वो यहाँ पे अर्न किया करते थे जस्ट किसी के फील्ड में जाके वो काम करते थे राइट right? देन अगर हम यहाँ पे बात करें क्राफ्ट पर्सन की तो यहाँ पे इन विलेजेस uh, में जो है काफी सारे क्राफ्ट पर्सन भी थे लाइक ब्लैक स्मिथ हो गए पोर्टर्स कारपेंटर्स व्यूवर्स राइट तो ये सारे जो लोग थे वो यहाँ पे उस समय के विलेजेस में पाए जा सकते थे राइट right? सुनाओ so कुछ तमिल कंपोजिशंस भी हमें मिली हैं जो कि हमें इन लोगों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मीन जो है ये सोर्स बनता है ये जो कॉम्पोजिशन है ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए या फिर हमारे लिए एक सोर्स बनता है जो कि हमें जो है इनके बारे में बताता है इन लोगों के बारे में बताता है जो कि अराउंड 2500 साल पहले की हम यहाँ पे बात करें या फिर तेईसों साल पहले की हम यहाँ पे बात करें तो ओके okay? तो कुछ अर्लिएस्ट वर्क्स थे तमिल के जिन्हें जो है संगम लिटरेचर बोला जाता है नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि संगम लिटरेचर क्या होता है इसका जो नेम क्यों पड़ा था एंड इसे कंपोज कब किया गया था ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेट पी प्रीलिम्स में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो क्या होता है यहाँ पे कि ये तमिल वर्क है जो संगम लिटरेचर है इसे अराउंड तेईस साल पहले ही जो है कंपोज किया गया था Compose mean, जो है ओरली ही इसे जो है ट्रांसलेट किया गया था मीन जो है लोगों को सुनाया गया था इसे जो है अभी कंपाइल नहीं किया गया था राइट right? तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है तो इन्हें जो है संगम क्यों बोला जाता था संगम इन किसी को मिलके मिल मिलके मिल, मिल यहाँ पे बैठना संगम जैसे बोलते हैं कंबाइन करना किसी को राइट उसे संगम बोला जाता है बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन एंड कंपाइल्ड इन दी असेंबलीज नोन एज दी संगम्स मीन जो है इस लिटरेचर को कहाँ पे कंपोज एंड कंपाइज किया गया था इन्हें जो है असेंबलीज में जो है कंपोज एंड कंपाइल किया गया था तो इन असेंबलीज को क्या बोला जाता था इन्हें जो है संगम्स बोला जाता था ओके okay, तो इन असेंबलीज में डिफरेंट पोएट्स आके बैठा करते थे मीन मिल के जो है वो यहाँ पे काम किया करते थे उन्होंने मिल के जो है इसे कंपोज भी किया था एंड इसे जो है कंपाइल भी किया था जो भी इन स्टोरीज पता थी उस समय की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इस लिटरेचर में इन्होंने एड की थी ओके okay? तो ये जो असेंबलीज वो कहाँ पे हुआ करती थी दे वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई राइट सो दमिल टर्म मैं अब आर फाउंड इन दी संगम लिटरेचर जो भी हम तमिल टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं वो संगम लिटरेचर में इजीली मिल जाती हैं सो so, नेक्स्ट uh, यहाँ पे uh, कई सारी स्टोरीज हैं ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं या फिर जो स्कल्पचर्स हैं आर्कियोलॉजी हैं ये सारी चीजें भी हमें जो हमारे लिए एक सोर्स बनती हैं जो कि हमें जो है इस पीरियड के बारे में बताती है इस पीरियड के विलेजेस के बारे में बताती हैं या फिर जो किंग्स थे किंगडम्स थे उनके बारे में बताती हैं तो उन्हीं में से एक है यहाँ पे जो हम स्टोरीज भी बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज दताकस जताकस क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं कई बार यूपीएससी में सो वर वर दी दी स्टोरीज प्रोबेबली बाय ऑर्डिनरी पीपल तो जो क्या होती हैं ये स्टोरीज ही होती हैं जिन्हें जो है ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा ही कम्पोज किया गया था देन जो है इसे राइट डाउन किया गया था एंड कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने इसे जो है संभाल के रखा था तो ये भी हमें जो है अराउंड पच्चीसों साल से लेके या फिर तेईसों साल की हम यहाँ पे बात करें तो ये हमें जो है इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ओके okay? देन उसके बाद में जो है कुछ और भी काइंड के एविडेंस है जो हम यहाँ पे इन अर्ली सिटीज के बारे में जिनको पढ़ के हम जान सकते हैं सो so, यहाँ पे कुछ स्कल्प्टर्स हैं राइट दे सीन्स ऑफ़ डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ इन इन एंड वेल फॉरेस्ट तो कुछ स्कल्प्टर्स थे ऐसे कारीगर थे जिन्होंने जो है इन सीन्स को डिपिक्ट किया था स्कल्प्टर्स बना के मूर्तियां बना के कि उस समय के लोगों की लाइफ को जो है दिखाने की कोशिश की थी मूर्तियों के थ्रू कि जो है लोग किस तरह से वहां पर रहते थे विलेजेस में या फिर फॉरेस्ट में ओके okay, तो मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स जो है ये यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे इन स्कल्प्टर्स के द्वारा तो वो कहाँ कहाँ पे जो है रखे गए हैं रेलिंग्स uh, को डेकोरेट करने के लिए यूज किया गया है उन uh, मूर्तियों को पिलर्स के ऊपर रखे गए हैं या फिर बिल्डिंग्स के जो गेटवेज होते हैं वहां पे ये सारी जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं ओके सो मेनी ऑफ दी सिटीज डेट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इयर्स एगो दी कैपिटल ऑफ द महाजनपथ तो हम जिन सिटीज की बात कर रहे हैं ये जो यहां पे डेवलप हुई थी 2500 साल पहले वो मोस्टली महाजनपद की कैपिटल्स ही थी राइट right? एंड एज वी हैराउंडेड बाय देशन वॉल्स तो ये जो सिटीज थी इनके इर्द गिर्द जो है फोर्ट्स भी बनाए गए थे सो डेट की यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके एंड इन मेनी सिटीज कई सिटीज में जो है आर्कोलॉजिस्ट को पोर्ट्स की रोज भी मिली है या फिर जो सेरामिक रिंग्स होती है वो भी यहाँ पे मिली है जो की इन रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे रखा गया है ओके तो इन्हें जो है इन सेरामिक रिंग्स को रिंग वेल्स भी बोला गया है राइट ये भी जो है उस समय की लाइफ के बारे में बताते हैं तो हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि इन रिंग वेल्स को जो है टॉयलेट्स के तौर पे भी यहाँ पे यूज किया गया होगा या फिर ड्रेन के तौर पे या फिर गार्बेज डम्प्स के तौर पे जो है इन रिंग वेल्स को जो है यूज किया गया होगा ओके तो कई रिंग वेल्स जो है हमें इंडिविजुअल हाउसेस में भी मिले हैं एंड uh, जो पैलेसेस थे वहाँ के मार्केट्स थी या फिर जो ऑर्डनरी लोगों के जो uh, घर थे उनके रिमेन्स जो है वो काफ़ी कम मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को ओके okay? या फिर अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को जो है अभी डिस्कवर करना है तो इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सो so, अदर मेड ऑफ वुड मड ब्रिक था मे नोट है कुछ ऐसी चीजें हैं जो की वुड से बनी थी या फिर मड ब्रिक से बनी थी वो यहाँ पे या फिर सर्वाइव नहीं कर पाई है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकती थी ओके सो so, देन उसके बाद में कुछ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स के भी अकाउंट हैं जिन्होंने यहाँ पे इन सिटीज को विजिट किया था अराउंड पच्चीसों साल पहले तो उन अकाउंट्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए इन विलेजेस के बारे में जानने के लिए ओके okay, तो एक यहाँ पे डिटेल अकाउंट मिला था एक अनोन ग्रीक सेलर था और उसका जो है अकाउंट यहाँ पे मिला था जो उन्होंने हमारे इंडिया के पोर्ट्स को विजिट किया था तो उन्होंने जो है कुछ सीन वहां पे लिखे हुए हैं उसी में से जो है एक स्टोरी है बेरीगाज़ा की बेरीगाज़ा जो कि एक ग्रीक नेम है भरूच का ओके भरूच एक एरिया था राइट तो वो यहाँ पे बैरीगाजा की एक स्टोरी देखते हैं बैरीगाजा जो है दी गल्फ इज वेरी एट नैरोट दैरिगाजा ओके एक गल्फ है जो की बैरीगाजा के पास आके जो है वो काफी ज्यादा जो है नैरो हो जाती है एंड इसे नेविगेट करना जो है वो उस काफी हार्ड था

राइट right, ये जो पोर्ट था यहाँ पे तो वहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स भी हुआ करते थे क्या क्या चीजें बाहर से आया करती थी वाइन कॉपर टिन लीड राइट ये सारी चीजें जो है वहाँ पे आया करती थी एंड जो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ करता था वो था हिमालय आइवरी या फिर प्लांट्स जो यहाँ पे हिमालय से लाए जाते थे उनका भी एक्सपोर्ट हुआ करता था कार्नल कॉटन सिल्क एंड परफ्यूम्स इन चीजों का एक्सपोर्ट हुआ करता था ओके एंड जो मर्चेंट्स यहाँ पे आ, हमारी कंट्री में आया करते थे बाहर के एरिया से वो कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी लेके आते थे आ, राजा के लिए एंड इसमें जो है सिल्वर के वेसल्स हो गए सिंगिंग बॉयज हो गए ब्यूटीफुल वुमेन हो गए फाइन वाइन्स या फिर फाइन क्लोथ हो गए तो इन सारी चीजों का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे हुआ करता था राइट तो ये हमें जो है कहाँ से मिलते हैं ये जो स्टोरीज हैं वो ग्रीक जो सेलर यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो है एक अकाउंट यहाँ पे छोड़ा है राइट तो ये भी जो है हमारे लिए एक सोर्स बनता है इंफॉर्मेशन का अबाउट दी पास्ट राइट right? सो so, uh, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे सो so, अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट दोटिफिकेशन वेन आई अपलोड वीडियो ओके सो थैंक यू सो मच हैव बाय